आज तो बहुत ही स्पेशल वाला दिन है, पूछो क्यों? नया स्टूडियो, नया मॉनिटर, आप पाएगा असली मजा। तो आप इतने महंगे कैमरास लेते हो, उससे महंगे फिर लेंसेज ले लेते हो, पिक्चर्स तो बहुत अच्छी शूट करते हो, बट एडिट वही पुराने सस्ते वाले मॉनिटर्स पे करते हो, क्यों भाई क्यों? अगर अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हो ना, तो प्रोफेशनल कलर करेक्टिव मॉनिटर्स पे एडिट करना सीखो, आपकी पिक्चर्स और वीडियोस और ज्यादा अच्छी लगेंगी। जो गलती मैंने की है ना, वो प्लीज तुम मत दोहराना। चुटकी बजाऊंगा और यहाँ पे एक ऐसी चीज आएगी जिसने मुझे लाइफ का एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सिखाया। अगर आपको डायरेक्टली मॉनिटर का अनबॉक्सिंग देखना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे चले जाइए, बट ये वैल्यूएबल टिप मिस मत करना मेरे दोस्त। ओम ब्रूम ब्रूम। आपको पता है ये क्या है? ये वो फर्स्ट वेडिंग एल्बम है जो मैंने प्रिंट की थी। बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि बैक इन 2013 मैं शूट किया करता था 5D Mark III से, और वो उस टाइम का बहुत ही बेस्ट कैमरा होता था। शूट भी इतना अच्छा किया और मेरे हिसाब से मैंने उसे एडिट भी बहुत अच्छा किया। क्लाइंट ने तो बहुत तारीफों के पुल बांध दिए, बट जब ये एल्बम गई प्रिंटिंग के लिए तो हो गया बहुत ही बड़ा डिजास्टर, और उसका एक ही रीजन था। उस टाइम में मैं जिस मॉनिटर पे एडिट करता था वो कलर करेक्टेड मॉनिटर नहीं था, बहुत ही बेसिक मॉनिटर था। तो जो भी मैंने एडिट किया था ना, वो सारे कलर थोड़े से मिसमैच हो गए। रेड रेड नहीं दिख रहा था, येलो का टोन कोई और था, और सारी एल्बम की यही कहानी थी। क्लाइंट ने तो एल्बम रिजेक्ट कर दी, इसलिए अभी तक मेरे पास है। और फिर मैंने लाइफ का एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखा कि कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद मैंने लाइफ का अपना फर्स्ट कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर लिया। और सबसे दुख की पता है क्या बात है, जितनी भी उससे पहले मैंने वेडिंग्स की थी ना, उसे मुझे वापस एडिट करना पड़ा। और कितना बड़ा डिफरेंस होता है जब आप एक कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर एडिट करते हो वर्सेस अ नॉर्मल मॉनिटर। उस टाइम वो मॉनिटर आया था 1,30,000 रुपीज का। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफर हो एंड 2023 में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको इतने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। ASUS लेके आया है आपके लिए एक प्रोफेशनल प्रो आर सीरीज का मॉनिटर जो 24 इंचेस का है, 100% sRGB है एंड REC 709, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ। क्योंकि दोस्तों आजकल हम जो भी शूट करते हैं, पिक्चर्स या वीडियो, वो हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो आई एम श्योर आप चाहते हैं कि आप नो मैटर जिस भी डिवाइस पे देखो आपकी पिक्चर एकदम अच्छी लगे। तो इसके लिए आपको एक ऐसा मॉनिटर चाहिए जो 100% sRGB हो एंड REC 709। चलिए एल्बम को रख देते हैं साइड में और इस मॉनिटर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा हमारा जादुई मॉनिटर का बॉक्स। यार अनबॉक्सिंग के वीडियोस तो बहुत ही बोरिंग होते हैं, एंड आई एम श्योर आप एग्री करोगे। मैं आपको फटाफट मॉनिटर खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सो ये है ASUS का न्यू प्रो आर सीरीज का मॉनिटर जो 23.8 इंचेस का है, जिसका मॉडल नंबर है PA247CV। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 4K या 8K की दुनिया में रॉबिन भाई HD मॉनिटर कौन लेता है? तो लेट मी एक्सप्लेन, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये सब एक्सपेंसिव मॉनिटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो प्रॉपर्ली 100% Adobe RGB हो या फिर कोई और स्पेसिफिकेशंस। बट एट दिस प्राइस पॉइंट जो 20,000 से 25,000 की रेंज में है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से बाय करते हो, एंड 100% sRGB एंड 100% REC 709, एक बिगनर के लिए तो बहुत ही अच्छी डील है। एंड मजे की बात पता है क्या है, एक ही USB-C की केबल है जो आपके मॉनिटर को डिस्प्ले भी दे देगी और आपके लैपटॉप को चार्ज भी कर देगी विद 65 वॉट का पावर आउटपुट। कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो इस मॉनिटर को बहुत ही स्पेशल बनाते हैं, इस मॉनिटर की जो एनर्जी रेटिंग है वो 5 स्टार की है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी थोड़ा सा कम आएगा। और इसका पिक्सल पर इंच 93। बॉक्स में आपको 3 टाइप की केबल्स आती हैं, पहली है पावर केबल, सेकेंड है USB-C की केबल, एंड थर्ड है डिस्प्ले पोर्ट 1.2 की केबल। अगर आपके पास कोई और मॉनिटर है या फिर सेम मॉनिटर है जिसे आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो आप डेजी चेन के साथ दोनों मॉनिटर्स को डिस्प्ले पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स ये मॉनिटर बाय डिफॉल्ट तो फैक्ट्री कैलिब्रेटेड आता है जहाँ पे कैलमेन वेरीफाइड है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप मॉनिटर को यूज करते हो, उसकी जो कलर एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और इसलिए हमें कुछ टाइम पर मॉनिटर्स को कलर कैलिब्रेट करना जरूरी होता है। इसलिए हमें अपने मॉनिटर्स पे कलर कैलिब्रेशन का प्रोसेस करना चाहिए। मेरे स्टूडियो में मेरे पास 6 अलग अलग कंपनीज के मॉनिटर्स हैं, और मैं उन सबको एक डिवाइस के साथ कलर कैलिब्रेट करता हूँ, सो दैट हम किसी भी मॉनिटर पे कोई भी पिक्चर या वीडियो देखें वो सिमिलर लगे। अगर आपको जानना है कि मैं किस डिवाइस के साथ अपने सभी मॉनिटर्स को कैलिब्रेट करता हूँ, तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा
जाऊंगा उस पे, नहीं तो आप ही बाद में मुझे कोसोगे कि सर आपके कहने पे आपने मॉनिटर तो ले लिया बट कुछ महीने बाद मॉनिटर के कलर्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और उसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके रूम की लाइटिंग, कभी कभी हम ये बटन्स को प्रेस करके कुछ ना कुछ सेटिंग्स को चेंज भी कर देते हैं, तो कलर कैलिब्रेशन के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर कैलिब्रेशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सबर कर लो, थोड़ा सा स्किप का बटन मत दबाना। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं मॉनिटर में। ये जो इसका 24 इंचेस का पैनल है ना, ये IPS पैनल है और इसका व्यूइंग एंगल 178 डिग्रीज का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने मॉनिटर पे साइड के एंगल से भी पिक्चर देखोगे ना तो वो भी एक्यूरेट दिखाई देंगी। बेस्ड ऑन आपके कंफर्ट जोन पे आप इस मॉनिटर की हाइट को इजीली एडजस्ट कर सकते हो 0 से लेके 138 mm तक, सो दैट आपको एक परफेक्ट व्यू एंगल मिल जाए। और इसका जो स्वर्ल एंगल है ना वो +90 to -90 है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड भी हो गया एंड ये पूरा राइट हैंड साइड भी हो गया। और अगर आपको मॉनिटर को हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है एंड वर्टिकल रखना है, जिसके लिए स्पेशली मैंने लिया है क्योंकि मैं बहुत सारी रील्स बनाता हूँ, आप इसे ऊपर करो एंड इजिली पिवट कर दो इस तरह, और आप इसमें भी इसे 90 डिग्रीज तक रोटेट कर सकते हो +90 degrees। अब आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने मॉनिटर को रोटेट किया तो इस पे लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। ये सेटअप तो मेरे यूट्यूब के लिए है और इन लाइट्स की इंटेंसिटी है बहुत ही हाई, इसलिए मॉनिटर पे रिफ्लेक्ट कर रही है। क्योंकि इस मॉनिटर पे एंटी ग्लेज टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है तो रिफ्लेक्शन कम से कम होती है, अनलेस आपके पीछे एक बहुत बड़ी खिड़की हो या कोई बहुत ही ब्राइट लाइट सोर्स हो। बट आपको भी पता है कि हम लोग इस टाइप से एडिट नहीं करते हैं। आप कोई भी मॉनिटर ले लो, हर मॉनिटर के ऊपर एक डेल्टा ई की वैल्यू लिखी होती है और उसके सामने होता है एक नंबर। इस मॉनिटर की डेल्टा ई की वैल्यू इज less than 2, बट इसका मतलब क्या हुआ? इन सिंपल टर्म्स ये वैल्यू जितनी कम होगी ना आपका मॉनिटर उतने एक्यूरेट कलर डिस्प्ले करेगा, और ये मॉनिटर सपोर्ट करता है DCI-P3 कलर गैमेट को। अब इसके बाद इसमें और 3 अलग अलग मोड्स भी हैं, रीडिंग मोड, डार्क रूम मोड एंड ब्लू लाइट मोड, जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। इसका जो पैनल है वो है IPS पैनल एंड इसका पिक्सल पर इंच 93। इस मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है ना वो 45 to 75 हर्ट्ज का है और इसमें अडैप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिसका ये मतलब हुआ कि बेस्ड ऑन आप क्या देख रहे हो मॉनिटर अपना रिफ्रेश रेट चेंज करता रहेगा, कोई फास्ट पेस एक्शन या फिर जनरल ब्राउजिंग। और इसमें असुस ने अपनी फ्लिकर फ्री की टेक्नोलॉजी को भी यूज किया है। और एक और छोटा सा फीचर है, इस मॉनिटर में बिल्ट इन टाइनी से स्पीकर्स दिए हुए हैं, बट आई एम श्योर आप उसे यूज नहीं करोगे क्योंकि आपके फोन की स्पीकर्स की आवाज उससे बेटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मॉनिटर क्यों लिया और मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, तो मेरे 2 प्लान्स हैं। तो फ्यूचर में मैं जो भी वेडिंग शूट करूंगा जहाँ पे हमें सेम डे एडिट की डिलीवरी देनी होती है, इस मॉनिटर को टीम अपने साथ लेके जाएगी, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन से तो बेटर है ना एक 24 इंच का मॉनिटर होना जो 100% sRGB हो एंड 100% REC 709। सेकेंड थिंग, मैंने पास्ट में 34 इंचेस तक के मॉनिटर्स को यूज किया है, वो फ्लैट स्क्रीन हो या कर्व्ड हो, यस उनका एक अपना मजा होता है। बट अब मुझे चाहिए था एक छोटा एंड कॉम्पैक्ट मॉनिटर फॉर माय यूट्यूब स्टूडियो, जो मेरे मैकबुक के लिए एक सेकंड स्क्रीन बन जाए, जिसमें मैं पिक्चर्स एंड वीडियोस दोनों एडिट कर सकूं और जो ज्यादा डेस्क स्पेस भी नहीं ले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट फ्रेंडली हो। तो इसे तो मैंने अपने पैसों से ही खरीदा है और सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना दूं इस पे। चलिए अब चेक करते हैं कि मॉनिटर के बैक में क्या क्या पोर्ट्स आती हैं। तो इसके बैक में जो सबसे पहला बटन है वो है पावर ऑन एंड ऑफ का स्विच, उसके नीचे आता है पावर कॉर्ड का स्विच, उसके बाद में आता है हेडफोन जैक का स्विच, उसके साइड में है HDMI पोर्ट, उसके बाद आता है डिस्प्ले पोर्ट, और उसके बाद है वो मैजिकल पोर्ट USB-C 65 वॉट जिसकी है डिलीवरी। उसके बाद एक और डिस्प्ले पोर्ट है जिसके साथ अपने मॉनिटर को आप डेजी चेन इजिली कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल मॉनिटर्स को कनेक्ट करना है। एंड लास्ट में आते हैं 4 USB 3 पोर्ट्स, जिसमें से 2 मॉनिटर के टॉप साइड में दिए हैं एंड 2 दिए हैं बैक साइड में, जिनके थ्रू आप कोई भी अपने USB डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। अब आती है कंक्लूजन की बारी। अगर आप मॉनिटर को देख रहे हैं तो ये इतना नया तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से इसे यूज कर रहा था, और इस चैनल पे मैं वही चीजें रिव्यू करता हूँ जो मैंने यूज की है, सो दैट मैं आपको अपना ट्रू ओपिनियन दे सकूं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है इस मॉनिटर की क्या है, 21 से 25 हजार की रेंज में है, काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हो, USB-C का कनेक्शन है, आप इजिली डेजी चेंज कर सकते हो एंड जो मेन्यू है इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल्स है। तो जल्द ही मैं अपने इस ऑफिस का एक नया स्टूडियो टूर बनाऊंगा जहाँ पे आपको ये मॉनिटर मेरे डेस्क पे सजा हुआ दिखाई देगा, और मैं अपनी जितनी भी रील्स एडिट करता हूँ पिछले 1 महीने में मैंने वो सारी इसी मॉनिटर पे एडिट की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। गाइस फटाफट लाइक एंड शेयर कर लो यार, बहुत
मेहनत लगती है रिव्यूज बनाने में। पिछले 3-4 महीनों में आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। इंस्टाग्राम तो बहुत ग्रो हो गया है, 40,000 न्यू फॉलोवर्स इन द लास्ट 3 मंथ। यूट्यूब ग्रो नहीं हो रहा है यार, तो चलो जो भी पूछा इस मोटिव में पूछो एंड आई विल गिव यू माय ट्रू ओपिनियन। टेक केयर, बाय बाय।